हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ अंगरखा, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ 38 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 11.5 इंच, शोल्डर लेंथ 6 3/4 इंच, चेस्ट 33 इंच, वेस्ट लेंथ 13 इंच, वेस्ट 27 इंच, हिप लेंथ 21 इंच, हिप्स 34 इंच, बॉटम विड्थ 18 इंच, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 4 इंच, नेक विड्थ 6 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच, हाफ राउंड ऑफ स्लीव इज 5 इंच। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें 2.5 मीटर कपड़ा सफिशिएंट होगा। अब हम इसको 4 लेयर्स में रखेंगे, वो होगा हमारे बॉटम विड्थ का हाफ प्लस 1.5 इंच। तो बॉटम विड्थ है हमारी 18, उसका हाफ हो जाएगा 9 प्लस 1.5 हो जाएगा 10.5 इंच। हम इसको ऐसे 4 लेयर्स में 10.5 इंच फोल्ड करके रखने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 4 लेयर्स में फोल्ड करने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ की मेजरमेंट लेंगे। लेंथ है हमारी 38 इंच, ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा लेंथ में पूरा कपड़ा है। अब सबसे ऊपर से हम अपने सारी लेंथ्स के निशान लगाएंगे। सबसे पहले है हमारी शोल्डर लेंथ, वो है 6 3/4 इंच। वेस्ट लेंथ है हमारी 13 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13.5 इंच। हिप लेंथ है हमारी 21 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 21.5 इंच। ये लेंथ की जो है मेजरमेंट लेने के बाद अब सबसे ऊपर हम आएंगे तीरे का आधा प्लस आधा इंच। तीरा है हमारा 11.5 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 5.75 प्लस हाफ इंच हो जाएगा 6.25 इंच। ये मार्क करेंगे, इतना ही मार्क शोल्डर लेंथ पर भी करेंगे और ये मार्क्स हम बंद भाग की तरफ से करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको स्लांट मैनर में भी मिलाएंगे। यहां से फिर लेंथ से हम लेंगे चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। चेस्ट है हमारी 33 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 8.25 और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10.25। दो मार्क्स लगाएंगे और इसको लाइन को आगे ऐसे बढ़ा देंगे। ये ड्राफ्टिंग हमारी सिंपल कमीज के ड्राफ्टिंग की तरह होती है। अंगरखा में केवल फ्रंट पीस को दोबारा से अलग से काटा जाता है। अब वेस्ट लेंथ पे आएंगे, वेस्ट है हमारी 27 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 6.75 इंच और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा अपना स्विंग सीम का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8.75 इंच। इन दोनों मार्क्स को हम स्लांट मैनर में मिलाएंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने हिप लेंथ मार्क पर। यहां पर हम लेंगे हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच। हिप है हमारे 34 का 1/4 हो जाएगा 8.5 और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। यहां से हम इसको मार्क करेंगे और हिप की गोलाई का शेप देते हुए इन दोनों मार्क्स को मिला देंगे और यहां से हम ऐसे स्लांट बाहर इसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम अपनी दोनों आर्म्स यानी फ्रंट और बैक की कर्विंग करेंगे। उसके बाद हम अपने गले की विड्थ का निशान लगाएंगे और हाफ इंच कंधी गिराएंगे। गले की विड्थ है हमारी 6 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 3 इंच और यहां से हाफ इंच लेकर के कंधी गिराएंगे। अब सबसे पहले हम
यहां से यहां आउटर लाइंस को काट करके बैक पीस को अलग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम इसमें से अपना बैक पीस अलग निकालेंगे, क्योंकि उसमें हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, केवल बैक गले की कटिंग करनी है। अब ये हमारा फ्रंट पीस, दोबारा से इसको फोल्ड करते हैं और अपनी नेक विड्थ का निशान लगा करके बॉक्स बना करके वी शेप में नेक की कटिंग करेंगे। पहले नेक विड्थ है हमारी 3 इंच, हम 3 से थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि ये कपड़े पे कटिंग हो रही है, फिर इसमें फोल्ड करके हम जो है लेस या पाइपिंग पट्टी लगाते हैं। और फ्रंट नेक है हमारा 6 इंच, यहां से भी हम 6 इंच लेंगे और ये बॉक्स बनाएंगे और यहां से हम थोड़ा सा कम लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये ऊपर कंधे में जोड़ा जाता है, और यहां से हम इसको ऐसे वी शेप में कट कर देंगे। उसके बाद ये हमारी राइट साइड है कपड़े की और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड से इस कपड़े को जितना हमने इसको तिरछा करना है, मतलब स्लांट मैनर में लेना है, चाहे आप इंची टेप से लगाइएगा चाहे हाथ से लगाइएगा, ऐसे इसको तिरछा करते हैं यूं, और यहां से इसको सीधा कट करेंगे बॉटम तक, इसको हम ऐसे स्ट्रेट कट करते हैं। ये आपकी इच्छा होती है आपने कितना इसको तिरछा लेना है, 1 इंच लेना है, 2 लेना है, 2.5 लेना है, वो आपकी इच्छा है। यहां से यहां तक हमने इसको ऐसे तिरछा लगभग 4 इंच के करीब लिया है। अब इसकी कटिंग यहां से यहां और ऐसे कटिंग कर दी जाती है, और इस पैनल को दोबारा से दूसरे कपड़े पर रख करके 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा काटा जाता है। कटिंग करने के बाद अब ये पैनल तो हमारा, हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लेस लगाते हैं और ये वाला पैनल हमारा छोटा रह जाता है, तो इसलिए इस पैनल को हम नेक्स्ट कपड़े पर रख करके और 1 इंच एक्स्ट्रा कम से कम काटेंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड का पीस है, इसको हमें राइट साइड के पीस के साथ जॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, इसलिए हम ये गले से लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे इसी के पैरेलल, जैसे ये डिजाइन है उसके अनुसार इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐसे मार्क करेंगे और लाइन लगाएंगे, और फिर इस लाइन को गले पर बिल्कुल सेम होगा, इस साइड भी बिल्कुल सेम होगा, और केवल जो जॉइनिंग वाली साइड है उसको हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। मैं ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इधर से एक्स्ट्रा 1 इंच और इधर से बाउंड्री लगाने के बाद अब हम इसको अलग कर लेते हैं और इस चाक मार्क पर कटिंग कर देते हैं। ये हमारा अब रेडी जो साइड पीस है वो तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे, ये हमारा जो राइट साइड का पीस था उसको रखेंगे और इस आर्म की कटिंग करेंगे। इसको एडजस्ट करके मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। ये जो हमारा पहले कटिंग का एक्स्ट्रा पीस है इसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं। अब हम पहले अपना फ्रंट पीस तैयार करेंगे, उसके लिए हम, ये हमारी राइट साइड है दोनों पीसेस की,
इसको हम ऐसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे, और चाहो तो इसे टेम्परेरी सिलाई लगा दो, चाहो परमानेंट, क्योंकि इसके ऊपर हम लैस लगाएंगे। ऐसे हाफ इंच इधर तक फोल्ड करके, फिर इधर से भी ऐसे हाफ इंच फोल्ड करके बॉटम तक लेके जाएंगे। इसको इस प्रकार फोल्ड करने के बाद अब हम इस साइड के नेक पीस को भी ऐसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे, वो फोल्ड करेंगे हम इस कॉर्नर तक, नीचे इसको फोल्ड नहीं करते। फोल्डिंग करने के बाद अब हम इस गले पर, इस साइड वाले गले पर ये लैस लगाएंगे, ऐसे यहाँ से शोल्डर में दबाते हुए, और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक गले तक ही ये लैस को लगाएंगे दोनों साइड। लैस को गले में जॉइंट करने के बाद अब हम दूसरी साइड भी ये सिंपल स्टिचिंग करेंगे। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। गले पर ये लैस लगाने के बाद अब हमने इस कपड़े को 1 इंच एक्स्ट्रा काटा था, तो हम पहले बॉटम से यहाँ तक 1 इंच की एक मार्क लगाएंगे, उसके बाद जो है हम इस कपड़े को इसके ऊपर रख करके 1 इंच पर एक टेम्परेरी स्टिचिंग लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लैस लगाएंगे। ये हमारी 1 इंच की मार्क है। अब हम जो इसकी स्टिचिंग करेंगे वो ये हमारी लाइन दिखाई देती रहनी चाहिए, यानी कि लगभग इतना हम इसको टेम्परेरी स्टिच कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक और वापस यहाँ इस गले को दबा करके यहाँ से यहाँ तक। बॉटम से नेक तक ये टेम्परेरी स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम इस पर ऐसे करके लैस लगाएंगे। लैस चाहे आप बॉटम से लगाइएगा चाहे ऊपर से लगाइएगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे कॉर्नर बनना चाहिए। इस पॉइंट पे आने के बाद हम गले की साइड मुड़ जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बल जाएगा। उसके बाद हम इधर से भी यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर हल्का सा इस लैस को दबा दिया जाता है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे और बाजू जॉइंट करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। बैक नेक बना करके शोल्डर जॉइंट करते हैं, उसके बाद हम बाजू जॉइंट करते हैं और अपने हाफ आर्म होल राउंड का निशान लगाते हैं। ये हमारा 5 इंच है, इसको हम इस निशान के साथ ज्वाइंट करेंगे और इसको डार्क करके इसको पैटिंग द्वारा इधर भी ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद हम इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ स्टिचिंग करेंगे। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद अब हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ लेंगे और नीचे से बॉटम मोड़ेंगे और रिक्वायर्ड विड्थ लेकर के दोनों साइड के स्लिट्स मोड़ेंगे। ये बॉटम मोड़ करके और स्लिट्स मोड़ के मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार अपनी बॉटम विड्थ को फोल्ड करने के बाद और स्लिट फोल्ड करने के बाद इस पर हेमिंग करेंगे
और ये हो गया हमारा सिंपल अंगरखा कमीज तैयार। अंगरखा कई प्रकार से बनते हैं जो मैं आपको अपनी फ्यूचर वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी। इसकी मैं कंप्लीट करने के बाद एक पिक्चर अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।